एक्सिस पे ई निकालना आ गया, एक रिंग के सेंटर पे ई निकालना आ गया, एक डिस्क के एक्सिस पे ई निकालना आ गया। अब हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, वो रिंग नहीं देगा, रिंग का पार्ट दे देगा, जिसको आर्क बोलते हैं, एक आर्क देगा। वो कहेगा एक आर्क लो, चार्ज है ये, और इसके एक्सिस पे यहाँ पर ई निकाल लो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो आर्क देगा वो बराबर देगा, बराबर का मतलब जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, कोई ज़रूरी नहीं, बड़ी छोटी भी दे सकता है। अगर ये बड़ी देगा तो ये एंगल बड़ा बनेगा, छोटी देगा ये एंगल छोटा बनेगा। क्लियर है? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये वाला और ये वाला एंगल हमेशा बराबर बनेगा, यानी इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर मुझे यहाँ पर ई निकालना है, तो रिंग का रूल तो ये बोला करता था, अगर रिंग की बात करें कि रिंग के अंदर हम दो एलिमेंट लिया करते थे बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स, और उसकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला करते थे ई का, सच दैट वर्टिकल कॉम्पोनेंट कैंसल और ई कॉस थीटा के इंटीग्रेशन से नेट आंसर आता था, ऐसा हमने किया था। सेम इसकी भी सेम प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम है, अगेन दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, नहीं तो एक ही ले लो कोई बात नहीं, एक एलिमेंट ले लो, ये लो एक एलिमेंट ले लिया डी क्यू, दो इसलिए नहीं भी लिए क्योंकि वो सिमेट्रिकल बॉडी नहीं बनी ना, एंगल थीटा वन थीटा टू डिफर कर गया। जब बॉडी सिमेट्री में होती हैं तब आप दो एलिमेंट लिया करते हैं, ताकि आपको मालूम है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कैंसिल कर ही देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर एक एलिमेंट लिया डी क्यू, डी क्यू आपने कहाँ लिया, जहाँ पे आपको ई निकालना है उसके साथ एंगल क्या बना थीटा, यहाँ पे लिया, और इस डी क्यू ने ये एंगल कितना बनाया डी थीटा। ये भी क्लियर है यहाँ तक? आप कहेंगे कि ये मतलब कैसे, ये कैसे पता लगता है, देखो एक्सपीरियंस के साथ पता लगता है, ये ऐसे आप नहीं बना पाएंगे नई फिगर में कुछ भी, तो जब तक आप दो तीन क्वेश्चन देखेंगे तभी आप बना पाएंगे। पर आपको, और आप सोच रहे हैं कि ये मेरे को बनाना पड़ेगा, ये सॉल्व भी करना पड़ेगा, नहीं आपको ना बनाना पड़ेगा ना आपको कोई इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो एनसीईआरटी में आएगा, ना ही इसका प्रूफ मेंस में आएगा, और ना ही ये किसी और एग्जामिनेशन में आएगा। इसका जो फाइनल रिजल्ट और फॉर्मूला बनेगा बस वो याद करना है। पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने से पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या इसमें, हालांकि ये स्टेप्स मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जरूरत भी नहीं है इसकी, कोई वैसे देखना चाहे तो ज़रूर देखे कि ये हुआ इसमें सॉल्व, लेकिन बस कॉन्सेप्ट बता दूँ कि ये डी क्यू ने यहाँ ई डी ई लगाया, प्लस वन रखा मैंने यहाँ पे, डी ई के दो कॉम्पोनेंट्स हो गए डी ई कॉस डी ई साइन, तो हर एलिमेंट यहाँ पर डी क्यू डी ई कॉस थीटा लगाता जाएगा, डी ई साइन थीटा लगाता जाएगा, तो नेट ई अगर निकालना है तो मुझे नेट ई निकालने के लिए पहले एक्स एक्सिस में ई निकलेगा, एक्स एक्सिस में ई निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट, क्योंकि ये एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो एक एलिमेंट का एक्स एक्सिस में कॉन्ट्रीब्यूशन पता लग गया, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे आर्क का एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर सेकेंड पार्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे डी साइन थीटा, इसे इंटीग्रेट करके पूरे आर्क का कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग वाई एक्सिस आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू ई एक्स आ जाएगी, ई वाई आ जाएगी, फिर नेट वैल्यू वेक्टर सम ऑफ ई एक्स एंड ई वाई, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे स्मॉल डी ई कॉस थीटा एक एलिमेंट लिया स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रहा ये देखो एक्स कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा, डी ई की जगह वैल्यू पुट की 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये चार डी क्यू है और ये आर है, तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर दी। और डी क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी क्यू ऐसे निकलेगा, ये स्मॉल चार्ज है और लैम्डा वाई डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, क्योंकि लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से क्या किया मल्टीप्लाई, तो डी क्यू आ गया स्मॉल चार्ज आ गया। ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक? और ये देख रहे हो ये छोटा सा सेक्टर, इस सेक्टर में एंगल डी थीटा इज आर्क डी क्यू डिवाइडेड बाय सॉरी इसके अंदर एंगल डी थीटा इज आर्क डी एल डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आप एक चीज नोट करें, यहां पर मैंने डी ई की वैल्यू को ये मैंने पुट कर दिया, डी ई की वैल्यू में डी क्यू को मैंने पुट कर दिया, DL की जगह मैंने पुट कर दिया आर डी थीटा, क्योंकि एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज एंगल इनटू रेडियस, तो कुछ ऐसा आंसर आया, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए और ये आंसर आ गया। अब मैं क्या लगाऊंगा, इसमें लिमिट्स लगाऊंगा,
आपको ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि कैसे ये काम चल रहा है, आपको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, समझना है सिर्फ, समझ के अपने आप याद हो जाए बात अलग है, पर इसको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं ज़बरदस्ती बस याद करूँगा तो क्यों करूँगा, बस कुछ आना चाहिए, ऐसे फ़ायदा नहीं होगा, आप समझें कि क्या किया वो ज़्यादा बेटर है, कर लेंगे नुकसान नहीं है। असली चीज़ जो मुझे बतानी है इसमें वो है लिमिट्स, वो ज़रूरी है। मेरे को पूरी आर्क की वजह से ई निकालना है और मेरी जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रही है, एंगल डी थीटा, और अगर इंटीग्रेशन एंगल की फॉर्म में चल रही है तो लिमिट्स भी किस फॉर्म में लगेगी, एंगल की फॉर्म में। तो एंगल की लिमिट्स कैसे लगेंगी, इसको लगाने का एक स्टाइल है। क्या स्टाइल है, ये एक रेफरेंस लाइन है जहां पर आपको ई निकालना है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर हाथ रख लेना है। आपका पहला एलिमेंट ये होगा, कवर करते 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 आखिरी एलिमेंट ये होगा, तो ये पहला एलिमेंट है और ये आखिरी एलिमेंट है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो जब पहला एलिमेंट होगा तो इस रेफरेंस लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से इसका एंगल कितना है, थीटा वन, और अगर ये एलिमेंट होगा तो एंगल कितना है, थीटा टू। इस रेफरेंस लाइन के नीचे के एंगल हमेशा नेगेटिव माने जाते हैं, क्योंकि नीचे को नेगेटिव लिखते हैं मैथ्स में, नीचे नहीं लिखते, मतलब इस रेफरेंस लाइन का नीचे का एंगल थीटा वन, नीचे का कैसे कवर करोगे, माइनस थीटा वन। इस रेफरेंस लाइन का ऊपर का एंगल थीटा टू, ऊपर का तो वर्ड चलता ही नहीं मैथ्स फिजिक्स में, तो ऊपर का क्या लिखेंगे, प्लस। तो इसीलिए जब लिमिट लगी तो नीचे से ऊपर, माइनस से प्लस, थीटा वन से थीटा टू, समझ में आया यहां तक, तो माइनस थीटा वन से थीटा टू। तो रेफरेंस लाइन के नीचे के जो एंगल होंगे, कभी पूरी फिजिक्स में देखना, आगे आने वाले चैप्टर में ऐसे ही चलेगा, इस रेफरेंस लाइन के नीचे जो एंगल जाएंगे वो माइनस में, ऊपर जो आएगा वो प्लस में। तो यहां पर लिमिट क्या लगेगी, माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू। मेरा काम यहां पर सिर्फ लिमिट बताने का था, क्योंकि कभी कभी ऐसे लिमिट्स एंगल की लगती रहेंगी, तो मेरा काम, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप इसको इस समझ में आ जाए, अच्छी बात है, अदरवाइज आपको करना क्या है, लिमिट कैसे लगी ये सीखना है, समझ में आ गया है यहाँ तक। फिर आपने इसमें अपर लिमिट कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, दोनों को माइनस किया, माइनस माइनस प्लस, और ये आंसर आ गया। आपने ये याद करना है बस, इसको स्टार लगा दो कि अगर आपके पास कोई आर्क है, उस आर्क के एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपको नेट ई निकालना है तो आंसर होगा 1/4πε0 लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। तो आपको न्यूमेरिकल में थीटा वन थीटा टू गिवन होंगे, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अगर थीटा वन 30 है, थीटा टू 60 है, तो कुछ नहीं करना, 30 और 60 पुट करके आंसर खत्म। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रूफ के ऊपर बेस्ड नहीं होंगे, वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, क्लियर है, क्योंकि कंपटीशन बनाने वालों को पता है कि जो स्टूडेंट को ये पता है तो वो पीछे से करके ही आया है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, ऐसा कोई क्या याद कर लेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अभी क्या चला, एक्स एक्सिस, अब क्या चलेगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में डी कॉस थीटा की जगह डी साइन थीटा, बाकी एवरीथिंग इज सेम, सब सेम, सेम आंसर। तो आपने ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं, तो स्टेप तो देखने नहीं है, तो आपने ये फॉर्मूला याद करना है, मैंने एंड में समराइज कर दिया, इसे पूरा रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट देख लेते हैं कि अगर ये आर्क है, एंगल थीटा वन थीटा टू है, तो नेट ई एक्स क्या होगा, इसके इक्वल होगा, नेट ई वाई क्या होगा, इसके इक्वल होगा, और फिर क्वेश्चन आएगा नेट ई क्या होगा, नेट ई होगा वेक्टर सम ऑफ ई एक्स एंड ई वाई, दैट इज ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो आर्क की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी समझ में आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, सच बताऊं तो आपको प्रूफ करने के लिए मैं मना कर रहा हूं, और सिर्फ आपको फॉर्मूला जो करने हैं, तो इस शीट में ज़्यादातर आप नोट करेंगे, ज़्यादातर क्या है ही, मैंने इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही करवाने हैं, इसमें प्रूफ्स तो मैंने एक आइडिया देना था आपको दे दिया, अदरवाइज फॉर्मूला ही काम आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप अगर डी सी पांडे कर रहे हैं, कोई और बुक कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे आर के साथ क्वेश्चन आपको ई के मिलेंगे, ज़्यादा ना सही 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो एटलीस्ट आपके वो क्वेश्चन डाउट की फॉर्म में नहीं आएंगे, आपको मालूम है कि आपको क्या लगाना है इसमें, क्योंकि अब हमें सर्कल का पता लग गया, हमें आर्क का भी पता लग गया,
आर्क बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? आर्क इसलिए बड़ी चीज़ है कि कल को अगर सेमी सर्कल आ जाता है तो सेमी सर्कल भी तो आर्क है। सेमी सर्कल के यहाँ पे ई निकाल लें तो सेमी सर्कल का ये जो आर्क है ऊपर वाला वो एंगल कितना बनाता है? 90। और नीचे से भी एंगल क्या बनता है? 90। तो थीटा वन क्या हो गया? 90। थीटा टू क्या हो गया? 90। तो लगाओ फॉर्मूला ई का, थीटा वन थीटा टू 90। तो ई एक्स में साइन 90 साइन 90, एंगल थीटा वन एंड थीटा टू को 90 90 पुट कर लिया। साइन 90 क्या होता है? वन 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 प्लस वन टू आंसर। कई लोग तो सेमी सर्कल का ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं ई एक्स में, पर मैं इतना तो नहीं कहूँगा। आप कितना की याद कर लोगे? आर्क का याद कर लोगे, थीटा वन थीटा 90 पुट करोगे तो ई एक्स तो आ ही जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंगल अगर बराबर होंगे तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस। और वाई एक्सिस का आंसर क्या आएगा? जीरो। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पॉइंट चार्ज पे आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डायपोल पे आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको रिंग के ऊपर आता है एक्सिस पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिंग के सेंटर पे भी न्यूमेरिकल हो जाएगा, फिर आर्क के ऊपर आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आर्क कैन बी सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल नहीं होगी तो क्वार्टर ऑफ सर्कल भी हो सकता है। क्वार्टर ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ? क्वार्टर ऑफ सर्कल हुआ कि 1/4 ऑफ सर्कल। 1/4 सर्कल टोटल एंगल कितना बनाता है यहाँ पर? 90। ये देखो जो क्वार्टर ऑफ सर्कल है यहाँ पर टोटल एंगल क्या बनाएगा? 90, तभी क्वार्टर कहलाएगा। मेरे को ई निकालना है इस क्वार्टर की वजह से, कहाँ पे? यहाँ पे। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। सिमेट्री बन गई, आधा एंगल 45 आधा एंगल 45, तो 45 45 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ये 45 45 हो गया तो थीटा वन कितना? 45। थीटा टू कितना? 45। तो ई एक्स की वैल्यू में, ई ऑफ एक्स की वैल्यू में साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 45, 1/√2 1/√2 ऐड करके 2/√2, 2/√2 इज रूट टू आंसर। ठीक है, वो √2 × √2। ठीक, तो याद तो कुछ करना ही नहीं है, आपने एक बार आर्क का फॉर्मूला याद कर लिया उसके बाद तो हो ही गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब वाई एक्सिस की बात करें, मजे की बात यह है कि वाई एक्सिस में अगर सिमिट्री चल रही होती है ना और एंगल बराबर होते हैं तो वाई एक्सिस का आंसर हर हालत में जीरो ही है, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल होने वाले हैं। सिमिट्री में तो वाई एक्सिस कभी देगा ही नहीं आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो आर्क समझ में आ रही है, आर्क को कैसे हैंडल करना है। तो रिंग हो गया, डिस्क हो गया, आर्क हो गई, क्वार्टर ऑफ सर्कल हो गया, चार्ज रिंग। ठीक, तो ई एक्स आपने निकाल लिया, ई वाई निकाल लिया, नेट ई क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का अंडर रूट आंसर। तो ये भी पॉइंट क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और देखनी पड़ेगी, वो ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें एक आर्क गिवन है, ठीक, ये आर्क गिवन है, इस आर्क की वजह से यहां पर क्या आया? नेट ई आया। जो नेट ई होगा ना वो ऐसे होगा, इस एक्सिस पे होगा, नेट ई यहां पे होगा कहीं पर। आपको कैसे पता लगा नेट ई यहां पे होगा? तो नेट ई इसलिए यहां पे होगा क्योंकि जब आप इसे डराइव करते हो, और सोचो एक मिनट के लिए होगा क्या, आप सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, रिंग एक सिमेट्रिकल फिगर है, ऊपर नीचे बराबर होती है, तो रिंग की डेरिवेशन कैसे की थी हमने? एक एलिमेंट ऊपर तो एक एलिमेंट नीचे। तो ये मान लो एक आर्क है जो सिमेट्री है, थीटा थीटा, एक एलिमेंट ऊपर एक एलिमेंट नीचे, तो इस एलिमेंट ने यहाँ ई लगाया, इसने यहाँ ई लगाया, तो ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, इसका ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा आपस में कैंसल। और नेट आंसर कहाँ आ रहा है? इसकी अलोंग आ रहा है। तो नेट आंसर अगर आप देखोगे तो नेट आंसर यहाँ कहीं आएगा। तो आपने ये ड्रॉ नहीं करना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन की, से समझाने के लिए कि नेट ई कहाँ आएगा। तो मैं इन शॉर्ट एक शॉर्टकट बना रहा हूं कि अगर इस टाइप का आर्क गिवन है तो नेट ई यहां आएगा, ये याद रहेगा, राइट? और इस आर्क जो सिमिट्रिकल आर्क होती है जिसमें 90 डिग्री की ये आर्क बनी हुई है या क्वार्टर बना हुआ है, इसका फाइनल आंसर क्या आता है? 1/45
4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2 लैम्डा बाय आर। ये रिमेंबर कर सकते हो, आपको रिमेंबर क्या करना, 45 45 पुट कर लेंगे आंसर, क्योंकि आपको क्वाड्रेंट्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव बुक्स में सीधा क्वेश्चन मिलेंगे, क्वाड्रेंट्स में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आप, तो एक क्वाड्रेंट की वजह से ई का फॉर्मूला नहीं याद करना, 45 45 पुट कर लेना तो भी आ जाएगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वाड्रेंट अपने एक्सिस पर उस इस सेंटर पे ई क्या लगाएगी, ये लगाएगी, और डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे सपोज लेट अस सपोज आपके पास एक क्वाड्रेंट है, ये रहा ये क्वाड्रेंट है, और मैंने आपको बताया कि चार्ज लैम्डा वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने पूछा कि यहाँ पे ई क्या होगा, तो आपने कहा इस तरफ होगा, ई इस तरफ होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, राइट? पहला रिजल्ट क्लियर है। मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने कहा ये क्वाड्रेंट है पर ये नेगेटिव है, ठीक, तो लैम्डा इसमें पॉजिटिव नहीं है, लैम्डा इसमें नेगेटिव है। लैम्डा पॉजिटिव का मतलब है कि चार्ज पॉजिटिव है, लैम्डा नेगेटिव का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव है, पर है लेंथ वाइज, और मेरा क्वेश्चन है इस क्वाड्रेंट के एक्सिस पे यहाँ पे सेंटर पे आपको क्या निकालना है, ई निकालना है। तो अब जो ई की डायरेक्शन बनेगी ना, वो यहाँ नहीं बनेगी, अब वो यहाँ बनेगी, क्योंकि जहाँ ई निकालना है प्लस वन, ये माइनस इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, और प्लस इसे यहाँ क्या कर रहा था, रिपेल, ठीक है यहाँ तक? हाँ, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और अगर ये 2 लैम्डा होता नेगेटिव माइनस 2 लैम्डा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से 2 लैम्डा, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब आपने इस क्वेश्चन को एक बार खुद पहले ट्राई करना है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी आर्क्स दिख रही हैं या कितने क्वार्टर दिख रहे हैं, 4। कोहेगा क्वार्टर के दिख रहे, मैं तो पूरी रिंग दिख रही है, मैंने कहा रिंग दिख रही है तो फिर क्या कहता है, रिंग के सेंटर पे E0, भाई रिंग के सेंटर में तब E0 जब 4 सारा एक जैसा होगा, पॉजिटिव 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 या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसमें तो देखो तो सही, इसके अंदर ये 2 लैम्डा है, इसके अंदर ये माइनस लैम्डा है, इसके अंदर ये लैम्डा है, इसके अंदर ये माइनस 2 लैम्डा, तो 4 तो यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, और क्वेश्चन क्या है, इसके सेंटर पे आपको नेट ई निकालना है, क्या होगा? हिंट क्या है, आप पहले इसकी वजह से यहाँ पे ई निकालो, फॉर्मूला लिखो, पॉजिटिव की वजह से यहाँ ई क्या होगा, रिपेल, फॉर्मूला लिखो, इस पॉजिटिव की वजह से ई निकालो, नेगेटिव की वजह से ई निकालो, 4 ई निकालो, और खुद वेक्टर सम से इसका नेट आंसर निकालो, ट्राई करो इसे।
तो देखो इसमें, देखो इसके अंदर सबसे पहले ये प्लस वन, और मैंने क्या सिखाया कि जैसे ये है लैम्डा, तो इसकी वजह से ई वन कितना होगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू इंटू, नहीं रूट टू इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये स्टेप? ऑनलाइन वाले तो गए, डिस्कनेक्ट हो गए यार।
चलो देखो, तो इसमें E1 की वैल्यू मैंने बताई, उसी तरीके से -2 लैम्डा इस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो E2 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कितना, 2 लैम्डा इंटू √2 इंटू लैम्डा की जगह 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ये भी क्लियर है? ऐसी ये 2 लैम्डा इस +1 को क्या करेगा, रिपेल। तो E3 की वैल्यू क्या लगेगी, 1/4πε0 √2 इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, और -λ इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो 4E की वैल्यूज आपने निकाल ली, तो आप चेक कर सकते हो कि कुछ ऐसा आंसर आया होगा, कुछ ऐसे 4 वेक्टर आए होंगे, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब 4 वेक्टर हो गए, 4 वेक्टर में से अब आपको ये देखना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो नेट वेक्टर यहाँ आएगा, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो नेट वेक्टर यहाँ पे आएगा। तो चेक करें कुछ ऐसा आंसर आएगा, चेक करें प्लीज, ठीक है ना? तो इसमें से इसे माइनस किया तो ये वेक्टर, इसमें से इसे माइनस किया तो ये वेक्टर, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम में ई डैश और ई डबल डैश का स्क्वायर का अंडर रूट, तो इससे जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल होंगी। तो इसमें लगेगा तो आर्क का फॉर्मूला, फिर उसके बाद सुपर पोजिशन। बोलो, ठीक है, बोलो। एंगल 90 क्वाड्रेंट, ये वाला, ये देखो ना, ये इसके सेंटर पे जाएगा 45 डिग्री पे, सेंटर पे 45 पे, सेंटर 45 45 45, तो बनेगा ही 90। पॉइंट क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनफाइनाइट वायर क्या होती है फिजिक्स में? धरती से लेके आसमान तक की वायर इनफाइनाइट वायर है? नहीं, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी को इन्फिनिटी बोलते हैं, है ना? तो इनफाइनाइट आपकी मर्जी है कितनी भी लेंथ लें। तो इनफाइनाइट में जैसे पॉइंट चार्ज के मुकाबले 20 मीटर भी इनफाइनाइट है, 200 मीटर भी इनफाइनाइट है, अगर पॉइंट चार्ज का मुकाबला देखते हैं। तो जिसकी लेंथ की वैल्यू मालूम नहीं है, बहुत ही बड़ी है, वो इनफाइनाइट बोल दी हमने। तो इस इनफाइनाइट वायर से आर नॉट डिस्टेंस दूर आपको ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो इस इनफाइनाइट वायर से आर नॉट डिस्टेंस दूर आपको ई कैलकुलेट करना है, ठीक है यहाँ तक? अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर आप इस रिजल्ट को मेरे से पूछो कि ये पूरा आपको ये इंटीग्रेट करके ये पूरा करना पड़ेगा इतना बड़ा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ये प्रूफ एक तो वैसे नहीं करना, क्योंकि प्रूफ तो वैसे भी आएगा नहीं, रिजल्ट याद करेंगे। दूसरा, इस प्रूफ को गॉस थ्योरम, जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा फ्लक्स, उसमें सिर्फ 3 या 4 लाइन में खत्म किया हुआ है। 3 लाइनों में खत्म हो जाएगा प्रूफ, इतना ही है। तो क्यों करेंगे इतने बड़े मेथड से? आपको फिर आपने क्यों किया? मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि फ्लक्स बड़ी काम की चीज है, कि देखो इतना मुश्किल तरीके से हमने क्वेश्चन किया, लेकिन फ्लक्स के हेल्प से गॉस थ्योरम ने इसको बहुत छोटा कर दिया। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ आएगी, नहीं काम की चीज है। तो गॉस थ्योरम आपकी इंटीग्रेशन की चीजों को काफी आसान करेगी, जो अगला चैप्टर हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज से शुरू होकर हमने रिंग लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया, फिर हम 3D बॉडीज में आ जाएंगे, तो उसमें तो इंटीग्रेशन और भी टफ हो जाएगी। तो गॉस थ्योरम ऐसा कुछ करने नहीं देगी इंटीग्रेशन पे काम, गॉस थ्योरम उसका शॉर्टकट बताएगी और 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये गॉस थ्योरम में निकालता वो भी ई है, लेकिन हमने शॉर्टकट तरीके से। पर इसमें मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस रिजल्ट के किए बिना हो नहीं सकता, जो आज मैं आपको बताऊंगा आपको, कि गॉस थ्योरम ने वो गॉस थ्योरम भी नहीं कर सकती। गॉस थ्योरम आपको इनफाइनाइट का रिजल्ट तो दे देगी, फाइनाइट वायर का रिजल्ट दे नहीं सकती। फाइनाइट के लिए आपको करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लाइन चार्ज क्या होता है, जब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ ऑफ दी वायर, उसको लाइन चार्ज बोलते हैं। पॉइंट नंबर वन क्लियर? तो लाइन चार्ज का मतलब है कि जब चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज है, और इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो आपको इस आर नॉट डिस्टेंस दूर क्या निकालना है, ई निकालना है। तो लॉजिकली रूल तो ये बोलता है सिमिट्री है, ऊपर भी इनफाइनाइट वायर है नीचे भी इनफाइनाइट वायर है, तो ये एक एलिमेंट ऊपर लो एक एलिमेंट नीचे लो, तो ये डी ई लगाएगा, ये भी डी ई लगाएगा। यहाँ पर प्रश्न रख लेना, डी ई के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे कॉस एंड साइन, डी ई के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे कॉस एंड साइन। ये कॉम्पोनेंट इसे कैंसिल करेगा, और एज यूजुअल जैसे रिंग में किया था, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे एंड नेट आंसर आएगा। बिल्कुल रिंग वाली डेरिवेशन लग रही है जैसे रिंग में किया करते थे। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने इसमें कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ ये समझें कि इसके अंदर अगर आपको इनफाइनाइट वायर गिवन है, चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेंसिटी क्या यूज़ करते हैं, लैम्डा, तो आपको ई की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डी कॉस थीटा को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगाएंगे जो आपको करने नहीं है, बिल्कुल नहीं करने, सॉल्व करके आपके पास कुछ यहां आंसर आएगा। ये कुछ नहीं करना, आपने काम की चीज सुनो, काम की चीज है, जब लिमिट्स लगेंगी ना तो लिमिट्स एंगल की लगेंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल है, तो लिमिट्स एंगल की चलेंगी। तो एंगल की लिमिट्स कैसी सिखाई मैंने, एंगल की लिमिट्स के लिए यहां पर आपको ई निकालना है। सोचो अगर ये वायर फाइनाइट होती, यहां से स्टार्ट यहां पे खत्म, एंड आप यहां पे ई निकालते, तो आप एक एंगल क्या लेते यहां पर थीटा 1, और एक एंगल यहां पे क्या लेते थीटा 2, और लिमिट क्या लगाते -θ1 से +θ2। बताया ना मैंने, इस रेफरेंस लाइन के नीचे के एंगल नेगेटिव और ऊपर के एंगल सारे, तो -θ1 से θ2, ऐसे ही होता। अगर वायर इनफाइनाइट है, चलो अगर वायर लंबी है और लंबी है, और अगर लेंथ बड़ी है तो θ1 और बड़ा हो जाएगा, अगर वायर और लंबी है तो θ1 और बड़ा हो जाएगा, और अगर इनफाइनाइट है तो ये थीटा, ये इसको जाके कहाँ मिलेगी एट इनफाइनाइट, तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना लिया जाएगा 90। तो इन्फिनिटी के केस में अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही है, नीचे 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 जाती 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 जा रही है, तो एंगल भी बहुत 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 बड़ा बनेगा, और पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, तो लास्ट एंगल क्या लेंगे इसमें 90। तो बस ये ट्रिक है इसमें कि जब भी वायर इनफाइनाइट लंबी होगी तो आपने जो एंगल लेना है उसका क्या लेना है, हमेशा 90। कोई डाउट इसमें, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ऐसे ऊपर का एंगल भी क्या लिया जाएगा यहां पर 90। तो इन्फिनिटी के लिए आपने एंगल 90 लेना है। तो इसीलिए आप नोट करें, जब यहां लिमिट लगी थी तो -90 से लेके +90, तो लिमिट कैसे लग रही है समझ में आ रहा है यहां तक? आप कहेंगे याद करना है, नहीं आपको कुछ नहीं याद करना है इसमें, आपको लिमिट लगानी आ गई, तो उसके बाद कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, दोनों को माइनस, तो आपके पास ये आंसर आएगा। आपने ये रिजल्ट याद करना है, ये रहा। तो लिख लें, इनफाइनाइट वायर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर नॉट दूर आपको ई निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद कर लें। तो क्लियर है यहां तक ये फॉर्मूला, 1/4 π ε₀ 2λ/r, सेम ही फॉर्मूला जो पीछे चल रहा था। कोई डाउट इसमें? अगर इतना ही जरूरी होता मैं बताना देता।
मेन चीज़ है क्वेश्चन क्या आएंगे वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेरिवेशन कैसी हुई वो तो चलो छोड़ो जो हुआ, अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे वो आपको ये कहेगा कि एक एंगल 30 एक 60 बोलो यहाँ पर ई निकालो नेट। अब जब ई निकालने को कहेगा नेट या ई एक्स एक्सिस के अलोंग कहेगा तो उस केस में आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? मैंने आपको जो रिजल्ट करवाया ये किसके लिए करवाया? इनफाइनाइट वायर के लिए करवाया, पर यहाँ पर ये इनफाइनाइट वायर है ही नहीं। तो फिर आप एक काम करें, यहाँ पर हमने ये रिजल्ट निकाला था ये वाला रिजल्ट, तो E की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। आप ये सोचो कि अगर वायर फाइनाइट है सच दैट ये एंगल कितना है थीटा 2, ये एंगल कितना है थीटा 1, तो लिमिट क्या लगेगी? माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, ठीक है। आप अगर इसे इंटीग्रेट करें तो 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है? साइन थीटा माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2, राइट। जब आप इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो लिमिट्स में वैल्यू पुट करके वैल्यू आएगी 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू साइन ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1, बाहर निकल गया ये माइनस, तो फाइनल आंसर आएगा 1/4πε0 लैम्डा बाय आर नॉट साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1। प्लीज इस फॉर्मूले को नोट कर लें, ये फॉर्मूला नोट करें, फाइनाइट के लिए काम आएगा फॉर्मूला 1/4πε0 लैम्डा बाय आर नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या स्टेप क्लियर है? अब लगेगा कैसे ये? इसमें जैसे इसमें एंगल एक 30 है एक 60 है, तो क्योंकि ऑलरेडी इसमें माइनस साइन यूज हुआ हुआ है लिमिट्स में, तो आप सीधा वैल्यू पुट करेंगे, एक एंगल क्या पुट करेंगे 30 और एक क्या पुट करेंगे 60 आंसर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनाइट वायर्स को लेके, तो फाइनाइट वायर के लिए ये फॉर्मूला नोट कर लिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें पूछने वाला हो तो है? एक क्वेश्चन बनता है, पूछो। एंगल बराबर है ही नहीं 60 और 30, एंगल बराबर नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है? ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कंपोनेंट कैंसिल होंगे ही नहीं, ई साइन थीटा ई कॉस ई साइन थीटा कैंसिल कैसे होंगे, सिमेट्री में कैसे लेंगे? तो यहां पर नेट आंसर कहां आया? सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए ई साइन थीटा को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लंबी कहानी है, तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पूछा जाता है, तो एक्स एक्सिस में ई की वैल्यू पूछेगा आपसे, तो बस यही फॉर्मूला काम आएगा आपके। पॉइंट समझ में आया? सिमिट्री थीटा 1 थीटा 2 हो फिर तो कैंसिल भी हो, सिमिट्री में नहीं तो कैंसिल कैसे करोगे? तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 वाला रिजल्ट आएगा इसमें, जैसे ऊपर आर का आया था ना, आर का सेम रिजल्ट आएगा कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 वाला। बट पॉइंट समझ में आया आपको यहाँ तक? यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगी, ये नेट ई नहीं है, ये एक्स एक्सिस का ई है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा की हुई है। उसका फॉर्मूला मुझे, मेरे ख्याल से कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ही होता है इसका फॉर्मूला, जैसे वो आर्क का होता है ना, हाँ आर्क वाले फॉर्मूला ही चलते हैं इसमें भी, आर्क वाला ही चलता है इसमें फॉर्मूला, ठीक। तो पॉइंट क्लियर है लेकिन यहाँ तक? तो इसके अंदर अब अगर आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे? आंसर में इसका आंसर होगा ई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 1/4πε0 कितना लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू साइन ऑफ कितना 60 प्लस साइन ऑफ कितना 30। सीधा फॉर्मूला आ गया, डन, क्लियर है। अब इसका आपको बुक्स में ना एक और क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, वो कहेगा यहां पे अब ई की वैल्यू बताओ क्या होगी, यहां पे अगर ई की वैल्यू निकालनी है तो फिर सेम फॉर्मूला 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू साइन ऑफ एक एंगल साइन ऑफ दूसरा एंगल, बोलो एंगल्स क्या पुट करें, क्योंकि वायर यहीं से स्टार्ट हो रही है, अगर वायर नीचे से स्टार्ट होती फिर तो एंगल बनता थीटा 1, पर वो स्टार्ट ही नहीं हुई तो एक एंगल क्या लिया जाएगा 0 और दूसरा एंगल क्या लिया जाएगा 90, तो इसलिए एक एंगल 0 और एक एंगल 90। क्या पॉइंट क्लियर है?
तो अगर वायर बराबर से स्टार्ट हो रही है पॉइंट के, तो एक एंगल क्या होगा 0 और एक एंगल क्या होगा 90। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक्स में कि रिंग का क्या करना है, डिस्क का क्या करना है, आर्क का क्या करना है, क्वाड्रेंट का क्या करना है, स्ट्रेट वायर का क्या करना है, स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट का क्या करना है, फाइनाइट का क्या करना है, इस केस में क्या करना है, और आखिरी एक और क्वेश्चन मिलेगा इसके अलावा जो मर्जी है बस यही फॉर्मूले काम आएंगे। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी वायर यहां से स्टार्ट हो रही है इन्फिनिटी तक, और आपका जो पॉइंट है जहां ई निकालना है वो नीचे है। तो वायर के एक एंड से एंगल क्या बनता है? ऊपर। और दूसरा एंगल भी कहां बनता है? ऊपर। तो इस रेफरेंस लाइन से दोनों वायर के पॉइंट कहां लाई करते हैं? ऊपर और ऊपर, नीचे करता ही नहीं है कुछ भी। तो जब ऊपर और ऊपर करता है तो फिर वापस चलते हैं इंटीग्रेशन के इस रिजल्ट में, यहां पे। तो इस रिजल्ट में हमने ई की वैल्यू जब निकाली थी तो 1/4πε0 λ/r0 था और cos थीटा था, राइट? अब दोनों एंगल ऊपर हैं, थीटा 1 भी और थीटा 2 भी, तो प्लस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 जाना पड़ेगा हमें, राइट? यानी कि मेरे क्वेश्चन के अंदर, जो मेरा क्वेश्चन था उसके अंदर एक एंगल कितना था 30, एक एंगल कितना था प्लस 30 से प्लस 60। क्लियर है यहां तक? क्योंकि रेफरेंस लाइन से दोनों वायर्स के एंड ऊपर थे तो एक एंगल कितना 30, एक एंगल कितना 60। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/4πε0 λ/r0 into साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक? 30 से लेके 60। तो एक बार एंगल थीटा की जगह 60, एक बार 30, माइनस करेंगे आंसर। तो पॉइंट समझ में आया? तो मैंने इस शीट में जान के सारे टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब वायर कैसी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नीचे होंगे तो -30 -60 माइनस, हाँ माइनस में आएंगे दोनों। अच्छा इन्फिनिटी है, ओके ओके इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर प्लीज 90 कर लेना प्लीज, इन्फिनिटी है, ओके 90, अब ठीक है, ओके हाँ इन्फिनिटी है तो 90। पर अगर कई बार फाइनाइट फाइनाइट होती है 30 और 60, 30 60 एग्जाम्पल दे रहा था मैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सब रिजल्ट्स आज के टॉपिक में, आज के पूरी शीट में आपने नोट किया कि हमने सिर्फ रिजल्ट्स किए, कोई प्रूफ तो मैंने किया नहीं, और बुक्स के अंदर आपको इतने प्रूफ मिलने वाले भी नहीं है वैसे आपको, तो आपको सिर्फ रिजल्ट्स आपको याद करने हैं और उसको लगा के देखने हैं अपने ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिलेगा अब आपको समझ में आएगा कि रिंग पे क्या लगेगा, आर्क पे क्या लगेगा। आर्क के तो मैंने कराई दिया ईएक्स और ईवाई, फिर आर्क के बाद हमने क्या किया स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के कई केस हैं, इनफाइनाइट में इसकी तो एक ही फॉर्मूला है, फाइनाइट वायर में साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 वाला फॉर्मूला है। फिर उसके बाद जो फाइनाइट वायर है दोनों एंड ऊपर है, अलग अलग केसेस हैं, उस सारे केसेस आपको आने चाहिए। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? जिन लोगों ने ऑब्जेक्टिव बुक स्टार्ट की या सब्जेक्टिव स्टार्ट की, वैसे मैं बता दूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का कंटेंट ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव बुक से, मैंने कई अलग अलग बुक से लिया हुआ है। आपके अगर आप अरिहंत कर रहे होंगे या डीसी पांडे जो बुक कर रहे होंगे उसमें कंटेंट थोड़ा कम है, उससे मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे थोड़े से मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ फोर्स का अलग फील्ड का अलग बना रखा है और 3-4 बुक्स में से बना रखा है, ये बेसिक्स हैं, जितना ये स्ट्रांग होगा उतना ही अगला चैप्टर आपका इजी होता जाएगा। जैसे फोर्स स्ट्रांग हुआ तो फील्ड इजी लगेगा, ये दोनों स्ट्रांग होंगे तो आपका फ्लक्स भी इजी लगेगा, और ये अगर सारे स्ट्रांग, देखो आपको ना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी तक और पोटेंशियल्स तक, मतलब फ्लक्स के बाद का टॉपिक ज़्यादा ट्रिकी है। बस जिसने अगर वो पार कर लिया वो फिर आराम से बैठे, उसका इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा का पूरा ठीक, पूरी प्लस टू ही ठीक चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो अगला जो टॉपिक है फ्लक्स का और उससे अगला जो टॉपिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का, ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पर हमारी स्पीड भी थोड़ी सी आराम से स्लो 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 चलेगी, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट है ना,
गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ उसमें दिक्कत हो जाएगी। अभी तो ऐसा है ना, मैं बोल देता हूँ ये वेक्टर कैंसिल हो गया, डन हो गया, उसमें नहीं बोलूँगा ना। उसके अंदर तो एक 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 स्टेप आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है उसमें, ठीक है। ये वाला इसके अंदर मैंने बताया कि ये देखो इस रेफरेंस लाइन के नीचे की वायर का एंगल क्या बना, ज़ीरो बना ही नहीं, तो ज़ीरो एक एंगल, एक एंगल 90, तो साइन 0 प्लस साइन 90, ठीक है।